बेलापत्थर पुलिस पर एक नौजवान पर पीडीएक लगाकर जुल्म करने का लगाया गया इल्जाम। एक मुतासरा फैमिली ने बताया कि इनका लड़का जिसका नाम अरबाज है, जो कि कालापत्थर पुलिस स्टेशन के तहत राउडी शीटर बताए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ राउडी शीट खोली गई थी और पुलिस की जानिब से हिदायत दी गई थी कि हर हफ्ता इन्हें पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी और इन्हें शहरे हैदराबाद से दूर रहने की हिदायत दी गई थी, जिस पर अमल करते हुए अरबाज निज़ामाबाद में रह रहे थे और पिछले 2-3 हफ्तों से अरबाज की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने से खासी रहे, जिसके बाद बतारीख 30 जनवरी को पुलिस स्टेशन से साइन करने के बहाने इन्हें ले जाया गया और इन्हें वहीं से कोर्ट रवाना कर दिया गया, जिसके बाद इन पर पीडीएक भी नाफिज कर दिया गया। काफ़ी देर हो जाने के बाद जब अरबाज के घर वालों ने दरियाफ्त किया तो पता चला कि इनके बच्चे पर पीडीएक नाफिज करते हुए इन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद अरबाज के सरपरस्तों ने कालापत्थर पुलिस के इस तरह के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया और मीडिया के जरिए सीएम केसीआर, हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद और दीगर आला अहदेदारान से इन्हें और इनके घर वालों को इंसाफ दिलवाने का भी किया मुतालबा। आइए जानते हैं इस खसूस में तमाम तर तफसीलात मुतासरा फैमिली की जुबानी। पेश रिपोर्टर शेख इब्राहिम की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। जो है सो फैन को बुला के जो है सो हमारे शोहर को बोले तुम्हारे बच्चे को हम 5 बजे दे रहे। 5 बजे आने के बाद में बोले तुम्हारा बच्चा कोर्ट को चले गया। तो इनका इन्हें जो है सो उनको पूछे नहीं कुछ भी। बच्चा जब वहाँ से फ़ोन करके बोल रहा है कि मेरे को पीरियड डाले, तो ये क्या कहाँ का इंसाफ है? कि हमारे हस्बैंड गुजारिश है केसीआर और केटीआर साहब से हमारे को इंसाफ होना, जबकि मेरा बच्चा 15 महीने उसने गुजारा। परसों भी जो है सो प्लानिंग कर रहा बोल के डाल दिए तो साहब 4 बार काउंटर दलाया ये सर्कल वहाँ पे नहीं छोड़ना बच्चे को। 10 बार पिटीशन डाल रहे तो भी कैंसिल करा रहे। बड़ी मुश्किल से हम छुड़ा लिए। हम थे गरीब अदमियाँ सर्कल बोले यहाँ से जाके दूर जाके जियो, कैसे जी रहे हम लगा। उसके बाद में जो है सब फिर बच्चे को साइन को बुलाए। हमारे को तकलीफ इस बात की है कल साइन को बुला के पीडीएफ कैसा डालते, जबकि उन्हें जो अगेंस्ट वाला है उन्हें खुला फिर रहा। मैं हाँ इमरान गाजी है उन्हें इनसे जब मैं बात करी कल सर्कल साहब से तो मेरे को ये समझाए दोनों को अगर हम खुला छोड़ेंगे इन्हें इसको तो भी मारता उन्हें उसको तो भी मारता। फिर मेरे बच्चे को अंदर डाले इसको खुला छोड़ दिए। ये कैसा इंसाफ है? ये बात दूर तक जाना है। ये मीडिया ये चुप नहीं है। एक माँ के दर्द की एक आवाज़ है ये भाई लोग तुम लगा वहाँ तक पहुँचाना मेरे बच्चे का दर्द कहीं को बोले तो 4-5 साल से हम मुसीबत में गिरे के जैसे बच्चे को उसका भाई का ये हो गया ना कर दिए। अब ये बच्चे के पीछे पड़े हुए मेरे को इंसाफ होना जब उन्हें पीएस के सामने ये बोल के जा रहा काला पत्थर पीएस उसका मामू भी बोल रहा मेरे इमरान गाजी का मामू बोल रहा काला पत्थर पीएस और सर्कल मेरे जिम्मे है ये बात का प्रूफ होना। ऐसा कितनों को खरीद रहा तू? हाँ हमारे को यही बोलने का था और कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे को भी लिख डाले और मेरे को इंसाफ होना। और केसीआर साहब असर साहब सबसे अपन गुजारिश है मेरी एक माँ की आवाज़ ऐसी रहती हक की आवाज़ रहती चाहे कोई भी लीडर हों दे कोई भी पुलिस वाला हों दे। आज तक हम मीडिया में नहीं आए। 4 साल से स्ट्रगल चल रहा है जिंदगी का घर के बेघर हो गए। मैं माजूर औरत हूँ आज मैं यहाँ ठहर नहीं सकती तो भी मैं मेरे औलाद के आसे यहाँ के आप लोगों से मैं इल्तजा कर रही हूँ ये गुजारिश वहाँ तक पहुँचना और मेरे बच्चों को इंसाफ होना। मेरा नाम मोहम्मद अमजद है जी। मेरा बेटा अरबाज है कल बुलाए के लिए बुलाए। कौन बुलाए? सर्कल साहब बुलाए। कौन से? उसे पी एस है ये काला पत्थर पी एस। अच्छा क्या बोल के बुलाए? उन्होंने निज़ामबाद में जाके रह गए। आपके बेटे रोडी शूटर है? हाँ रोडी शूटर हुए। अच्छा उससे पहले 3 महीने पहले बुलाए उनको जबरदस्ती केस डाल के अंदर भी जाए प्लानिंग बोल के डाल के अंदर भी जाए। आज 15-20 दिन हुआ उन्होंने फिर अब कंडीशन बेल बोल के दिए बुला के लाए कंडीशन बेल बोल के फिर सैनों को बुलाए सैनों को बोल के बुलाए उन्होंने एक हफ्ता नहीं आए और हफ्ते हो फिर अब आए उन्होंने कल आए कल आके सैनों को बुल के रोक के उनको पीटीएड में बुक कर दिए। अभी कुछ एक्टिविटीज़ थी उनके? उनके कुछ भी नहीं है। कहाँ रह रहे थे? निज़ामबाद में रह रहे थे। तो कब बुलाए उनको यहाँ पर? उनको कल ही जाए उन्होंने साइन को आने का था ना हर हफ्ता तो तबियत बराबर नहीं थी कुछ नहीं आए थे उन्होंने उन्होंने अकेले आए थे। हाँ उन्होंने अकेले आए थे। फिर आपका कब मालूम हुआ रिमांड करे उसकी? उन्होंने साइन को बोल के आए ना रिमांड करके मैं आया आए तो 5-6 बजे छोड़ दिया। कौन दिए तलाश की? किसको? बच्चा मेरे को फ़ोन करा। क्या बोले?
मैं जा रहा हूँ यहाँ बोलिए, तो मतलब अभी तक नहीं आया बोलिए, मैं आ गया दोपहर आए तो बोले बच्चा है बच्चे को, तो बच्चे को क्या करें हम लोग, बच्चा है बोलिए मेरे को रोक लिए, रोके तो मैं रुक गया। रुकने के बाद मैं क्या था मतलब कई दिनों से सहना करके भिजा होंगे, ठीक है फिर से पाँच छः बच्चे होंगे बोट को भिजा रहे हैं, कौन हो सैन को नहीं आएगा इसलिए रोके उनको बोट को भिजा के वापस छोड़ देते हैं, ठीक है बोल के मैं वेट कर रहा हूँ। पाँच छः बजे बोले तो वो बोलिए उन्होंने नए उनको रिमांड करे महीने 15 दिन में आ जाता है। अब बच्चे का फोन आया अंदर से कि BTET डाले बोल के आया, तो वो इसीलिए बोला इन्हों बोले ऐसा BTET क्यों डाले बोल के पूछने के लिए आया, क्या बोले इन्हों क्या बोल रहे हैं, मेरे को ऊपर से ऑर्डर आया मैं इनको से बात हुई आपसे मैं सर्कल साहब से, क्या बोले सर्कल साहब, सर्कल साहब बोले मैं हमको ऊपर से ऑर्डर आया मैं भिजा दिया कोर्ट से फाइट करो बोल रहे हैं उन्होंने, तो मतलब आप बार बार बुलाते जाएंगे, इससे पहले भी भिजाए अभी भी भिजाए आप, तो आप भिजाते जाएंगे मैं कोर्ट से फाइट करते रहूँगा क्या, यही कर लेते रहूँगा क्या। कुछ बच्चा निज़ामबाद में कुछ एक्टिविटीज़ थी अच्छा सुधर गया था, हाँ सुधर गया, अब तक कोई ये नहीं है, उन्होंने कारखाने में काम कर रहे हैं, कौन से केस में गए थे उन्होंने, उन्होंने मर्डर केस में गए, कब गए थे, 2020 में गए थे। अच्छा फिर पीडीएट काट के आए उन्होंने, अच्छा एक साल की जगह 15 महीने काट के आए उनको नहीं छोड़ रहे थे अंदर से, फिर उसको कोर्ट को नहीं लाया उन्होंने, नहीं ला के क्या करें वहाँ से फिर वारंट निकाल उनको अंदर ही रोक लिए, तो 3 महीने के बाद में फिर जबरदस्ती दिए गई, देने के बाद में आके खामोशी थे, फिर 2 महीने पहले 3 महीने पहले बुला के फिर ऐसी बुला के 2 महीने अटका दिए, फिर आके 15-20 दिन हो गया, फिर अभी आके फिर अब कल भी वो चीज़ भिजा दिए मेरे को, बोले कि शाम में छोड़ देते बोल के बोले, तो मैं वेट करा इधर ही हॉस्पिटल में थे हमारे घर वाले, अब मेरे से तैनात यहाँ तक मैं आ गया, मेरे को ये बोले कि बच्चा आपका सैन को नहीं आया, आपका मैं श्योरिटियाँ जो है ना कैंसिल के लिए डाल दिया उसके लिए सैना बोल के बोले मैं, ठीक है बोल के मैं आधार कार्ड तो आधार कार्ड दिया सैना बोल, तो सैनों के लिए नहीं करा मैं, कुछ डाउट खा के मैं यहाँ तक आ गया, चक्कर आ रही थी पानी के लिए बोल के आया, आए तो 2 जवान मेरे को यहाँ से बुलाते हुए स्कूल बुलाते हुए थोड़ी देर पीछे आके मेरे को ले लेके जाके रिटर्न करके फाइल पेपरों पर साइन ले लिए मेरे, जबरदस्ती साइन लिया, हाँ ले लिया मेरे को, मेरे को बोले ने मेरे को क्या बोले मैंने 15 दिन में उनको आ जाता बोल के बोले शाम में, यही बोले। विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर, फी गज सिर्फ 5,000 रूपए, नकद या आसान अकसात पर नेटको फार्मा, PNG, जॉनसन एंड जॉनसन, LV प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स, ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, हैदराबाद। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9246882400, 9505704041।